सो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप सब सही होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करूंगा यूट्यूब के न्यू पॉलिसी के बारे में। हालांकि आप सभी ने यूट्यूब क्रिएटर्स जितने भी है यूट्यूब पे, उन सभी का यूट्यूब चैनल पे जा करके उन सभी का वीडियोस तो आप सभी ने देख ही लिया होगा, बट उसमें किसी ने भी ऐसा नहीं बताया है से मतलब 1000 जिसके 1000 सब्सक्राइबर्स से नीचे जिसके है सब्सक्राइबर्स उनका क्या होगा। अगर आपको जानना है मैं वो भी आपको बताऊंगा उनका क्या होगा, उनके चैनल रहेंगे या नहीं रहेंगे। और साथ ही साथ आपको यह भी बताऊंगा फुल डिटेल में से YouTube का जो पॉलिसी है वो कैसा काम करेगा आने वाले समय में। 10 दिसंबर से जो अभी न्यू पॉलिसी YouTube की तरफ से आने वाला है वो किस तरीके से काम करेगा और यूट्यूबर्स को ऐसे में क्या नुकसान सहना पड़ सकता है। तो अगर आपको जानना है तो आपको इस वीडियो को कंटिन्यूस देखना होगा। तो इसी के साथ वीडियोस को स्टार्ट करता हूं। सो फ्रेंड्स, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर ही दिया होगा। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो मैं आप सभी को बता दूं, मैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, इंटरेस्टिंग फैक्ट से रिलेटेड और यूट्यूब से रिलेटेड खास करके आप सभी के लिए इस यूट्यूब चैनल पे वीडियोस बनाता रहता हूं। तो आप सभी का फर्ज है मुझे सपोर्ट करना, तो प्लीज़ मेक श्योर आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा, नोटिफिकेशन बेल भी दबा लीजिए। और आजकल एक वीडियो का लाइक का गेम रखते हैं ओनली 20 लाइक्स के लिए, मैं आशा करता हूं पूरा कर ही देंगे। तो इसी के साथ मैं वीडियोस को स्टार्ट करता हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपके पास एक बेहतर टॉपिक है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं मेक श्योर उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस तो बनाऊंगा ही, और साथ ही साथ मैं आपका जो कमेंट है उसको टैग करके अपने यूट्यूब के वीडियो पे पेस्ट करके आप सभी को बताऊंगा से ये कमेंट किस बंदे ने मुझे किया है। तो मेक श्योर आप अभी से कमेंट तो जरूर करेंगे यूट्यूब में, और हो सके तो मुझे मतलब इंस्टाग्राम में भी कमेंट कर सकते हैं, फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसके साथ मैं वीडियोस को स्टार्ट करता हूँ। तो फ्रेंड्स, ध्यान से सुनिएगा, ये जो YouTube का न्यू पॉलिसी है ये मतलब सिर्फ YouTube क्रिएटर्स के लिए नहीं है, ये सभी लोगों के लिए। जैसे कि अगर आप YouTube पे सिर्फ वीडियोस देखते हो, YouTube क्रिएटर नहीं हो, YouTube पे वीडियो नहीं भी बनाते हो, तभी भी सिर्फ आपने YouTube पे साइन इन किया हुआ है और उस ईमेल के थ्रू आप YouTube को देख रहे हो, वीडियोस को देख रहे हो, तभी भी आपको YouTube की तरफ से एक मेल आएगा और वो मेल में ऐसा लिखा रहेगा से YouTube का जो पॉलिसी है वो पूरी तरीके से चेंज हो चुका है और इस पॉलिसी में आप सभी को अगर टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो। तो बहुत लोग टर्म्स एंड कंडीशन नहीं पढ़ना चाहते हैं क्योंकि बहुत लोगों को मालूम ही है, इनफैक्ट सभी लोगों को मालूम है से टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है और काफ़ी ज़्यादा बड़ा पेज का होता है। तो मैं आप सभी के लिए छोटे से वीडियो में आपको मैं बताऊंगा से वो टर्म्स एंड कंडीशन में क्या है और वो पॉलिसी में क्या क्या यूट्यूब ने चेंज किया है। और ख़ास करके ये भी बताऊंगा से ये जिनके भी यूट्यूबर्स के 1000 से अंडर सब्सक्राइबर्स है उन सभी का क्या होगा ये पॉलिसी में। बाकी सब यूट्यूबर्स का तो आपको सभी लोगों ने बता दिया होगा, बड़े बड़े क्रिएटर्स लोगों का, और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा से छोटे क्रिएटर्स का क्या होने वाला है। तो मैं वीडियोस को स्टार्ट करता हूँ। तो फ्रेंड्स, ध्यान से सुनिएगा, ये आपको पता चल गया से ये सभी लोगों पे लागू करता है। और ये मतलब ये जो पॉलिसी है इसमें ये कहा गया है कि जैसे कि अगर आप मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ, जैसे कि आप एक रेंट के रूम में रह रहे हो, नहीं तो आप कुछ भी ले लीजिए, मैं रेंट का रूम ही का बात नहीं करता हूँ। जैसे कि आपने एक रेंट पे एक बाइक ले लिया, उसको मतलब एक DSLR ले लिया रेंट पे, यूट्यूब के वीडियो से रिलेटेड ही बताता हूँ। जैसे कि आपने रेंट पे एक DSLR लिया, 300 रुपीज़ आपको फ्री में आपने DSLR ले लिया और उससे आपने वीडियोस भी बना लिया, और ऐसे कर करके आप बार बार उसी बंदे से DSLR फ्री में वीडियोस बना रहे हो और आप उस DSLR के थ्रू आप उस YouTube चैनल पे पैसे कमा रहे हो अपने YouTube चैनल पे। पर DSLR जो है वो दूसरे का है और वो दूसरा चाहे तो आप वो DSLR ले भी सकता है और आपको मना भी कर सकता है, बट वो आपका इतना दिन से फ्रेंड था, कभी ना कभी तो वो बदलेगा ना, उसका सोच तो बदलेगा से भाई ये मेरे DSLR के थ्रू पैसे इतने कमा रहा है YouTube से और मेरे को कुछ इससे फायदा नहीं हो रहा है, इसी को फायदा हो रहा है, ये लाखों करोड़ों कमा रहा है YouTube से, मतलब लाखों करोड़ नहीं, लाखों, इनफैक्ट अगर उसके मिलियंस में सब्सक्राइब होंगे तो वो हजारों लाखों रुपए कमा रहा है YouTube से, बट वो मुझे एक भी पेमेंट नहीं दे रहा है। मैं उसको DSLR मेरा तो दे रहा हूँ पर वो मुझे कुछ भी नहीं दे रहा है, तो उसके लिए वो आपका DSLR वो अपने पास रख लेगा और वो आपको कुछ भी नहीं देगा। अगर आप उससे मांगने भी जाओगे तो वो आपको कुछ नहीं देगा, बोलेगा सर भाई तूने इतने दिन से मुझे मदद नहीं किया तो मैं अभी तेरा मदद नहीं कर सकता हूँ। एक बार कोई दे देगा, दो बार दे देगा, तीसरे बार कोई नहीं पूछने आएगा आप सभी को।
तो ऐसा ही कुछ YouTube में भी हो रहा है, और YouTube का जो टर्म्स एंड कंडीशन है ये इसी पे डिपेंड, पूरा इसी पे डिपेंड कर रहा है। YouTube बोल रहा है से अगर आप के जो 4000 वॉच टाइम कंप्लीट हो चुके हैं और 1000 सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप अगर आपका रिव्यू में जाता है, रिव्यू में जाने के बाद मैं सब कुछ डिटेल में क्लियर करूंगा, ऐसा कोई भी नहीं बताया होगा, ध्यान से सुनेगा जैसा मैं बोल रहा हूँ, ऐसा कोई भी नहीं बताया होगा, थोड़ा बहुत सेम भी होगा पर थोड़ा बहुत ज़्यादा अलग भी है, ध्यान से सुनेगा। YouTube का ये कहना है जैसे कि अगर आपका 4000 का वॉच टाइम कंप्लीट हो चुका है और 1000 का सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट हो चुका है, और अगर आपका चैनल रिव्यू में जाता है, तो उसके बाद अगर आपका यूट्यूब चैनल पे कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक या फिर कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक कुछ भी स्ट्राइक रहता है और आपका जो यूट्यूब चैनल है वो टेम्परेरी पूरी तरीके से मोनेटाइजेशन के लिए एनेबल नहीं रहता है और आपका मोनेटाइजेशन परमानेंटली डिसेबल कर दिया जाता है, तभी भी अगर आप उस चैनल पे अगर आप कोई और मेथड के थ्रू पैसे कमा रहे हो, जैसे कि आप स्पॉन्सरशिप से पैसे कमा सकते हो, एफिलिएट मार्केटिंग, बहुत सारा जरिया है यूट्यूब से पैसे कमाने के लिए, सिर्फ यूट्यूब ही नहीं होता है पैसे कमाने के लिए, यूट्यूब में अगर आप वीडियो बनाते हो तो बहुत सारे लोग ब्रांड्स आपको कॉन्टेक्ट करते हैं, आपने बहुत सारे लोगों को देखा ही होगा, अगर आप यूट्यूब पे नहीं हो या फिर आप अगर हो तो मैं आप सभी को बता दूं, आपने बहुत सारे लोगों को देखा ही होगा, सभी लोग अपने अबाउट सेक्शन में ईमेल, बिजनेस इंक्वायरी ईमेल देते हैं, इनफैक्ट मैंने भी दिया है और आप सभी को मालूम ही होगा, उस बिजनेस इंक्वायरी ईमेल मतलब बिजनेस जो भी मतलब जो भी बड़े बड़े क्रिएटर्स लोग रहते हैं या फिर बड़े बड़े जो बिजनेसमैन रहते हैं, वो अगर चाहे अपने प्रोडक्ट्स को सेल करना या फिर प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करना तो वो आपको कॉन्टेक्ट करते हैं उसी ईमेल से, तो उसी से आपको इनकम होता है, यूट्यूब से इनकम नहीं होता है, उसी के थ्रू भी होता है, तो आप रिव्यू से कमा सकते हो, रिव्यू यूनिट से आप पैसे कमा सकते हो, स्पॉन्सरशिप के थ्रू कमा सकते हो, और भी बहुत सारे मेथड होते हैं कमाने के यूट्यूब से। तो YouTube ये कह रहा है से अगर आप, आपको तो मालूम ही होगा, अगर आपको नहीं मालूम होगा तो ये भी बता दूं, YouTube है ना मतलब जो आप 45% पेमेंट अपना रखता है, आपको 60% टोटल पेमेंट देता है, तो उसमें 45% YouTube रखता है, आप मतलब रखता है ऐसा आपको मालूम ही है। बट YouTube का कहना ये है से अगर आप मुझे फ्री में मतलब अपने मेरे प्लेटफॉर्म पे अगर आप फ्री में रहना चाहते हो तो मैं ऐसा नहीं करने दूंगा, क्योंकि रिसेंटली आपको मालूम ही होगा YouTube को एक बहुत बड़ा झटका लगा था, बहुत सारे लोगों ने इस पे वीडियो भी बनाया था से YouTube का पेमेंट कंसिस्टेंट मतलब बहुत कम हो रहा है, सॉरी बहुत ज़्यादा कम हो रहा है और मतलब सबके पैसे कट रहे हैं, तो ऐसे में YouTube को बहुत ज़्यादा पेनल्टी भरना पड़ा था YouTube को क्रिएटर्स की वजह से, बट ये बात सही भी है, भरना पड़ा था और YouTube ऐसा कर रहा था चीटिंग हम सभी को, तो उसके लिए YouTube ने नया अपडेट निकाला है और बोला गया इस अपडेट में से आप सब ऐसे अफवाह फैलाते रहते हो तो उसके लिए हमको ये नया पॉलिसी चेंज करना पड़ रहा है, और इस पॉलिसी में आप सभी अगर मतलब हमको कुछ नहीं देते हो तो हम भी आपको कुछ नहीं देंगे, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, अगर आपका चैनल अगर अच्छे कॉन्टेंट शेयर करता है तब आपके चैनल को हम रख सकते हैं, नहीं तो वो हमारी मर्जी, हम पे डिपेंड करता है से आपका YouTube चैनल हमारे प्लेटफॉर्म पे रहेगा या नहीं, वो हमारे पे पूरे डिपेंड करता है। तो YouTube का यही कहना है से ये जो मतलब मेरा जो प्लेटफॉर्म है इस पे मेरी मर्जी है, मैं कुछ भी रखूं वो आपको डिपेंड नहीं है, मेरी मर्जी, अगर मैं रखना चाहूं तो इस चैनल को रख सकता हूं, अगर नहीं रखना चाहूं तो इस चैनल को नहीं भी रख सकता हूं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो YouTube का ये बहुत मतलब एकदम गंदा अपडेट आया ये, और बहुत सारे क्रिएटर्स को इसमें बहुत सारे नुकसानी भी होगा, और ख़ास मैं अगर आपको बोलूं तो अगर ऐसा हुआ, ये पॉलिसी अगर चेंज हो चुका है, अगर हो जाएगा तो ऐसे में YouTube का भी बहुत नुकसान होगा, क्योंकि मतलब बहुत सारे आपने देखा ही होगा, क्योंकि जितने भी क्रिएटर्स हैं खास करके ज़्यादातर लोग मतलब 70-80% लोग जो है वो मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल तो हो जाते हैं, बट 10-20-30-40% लोग हैं जो मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल नहीं हो पाते, उन लोग मतलब कुछ ऐसा गलती कर देते हैं जिससे उनका परमानेंटली मोनेटाइजेशन डिसेबल हो जाता है, बट वो अलग वे में कुछ और तरीके से भी पैसे कमाते हैं, तो अगर वो उनका चैनल अगर बंद हो जाएगा तो ऐसे में YouTube का जो प्लेटफॉर्म है वो थोड़ा मतलब ज़्यादा अभी ट्रैफिक नहीं रहेगा YouTube पे, थोड़ा कम लो लूज़ हो जाएगा YouTube का जो ट्रैफिक है वो थोड़ा कम हो जाएगा, तो ऐसे में YouTube को भी समझना चाहिए से मेरा प्लेटफॉर्म है तो इसमें मतलब अगर चैनल्स को मैं डिलीट मारूंगा तो ऐसे में मेरा ही नुकसान होगा ना कि क्रिएटर्स का होगा। अगर आप अगर ध्यान से सुनो, ध्यान से देखो, अगर आप अपने प्लेटफॉर्म पे
अगर क्रिएटर्स को ही डिलीट मारोगे, अगर चैनल्स को ही डिलीट मारोगे, ऐसे तो बहुत सारे चैनल्स हो गए जिसके ऐसे आपको पेमेंट मतलब नहीं देते होंगे 45%, तो ऐसे में अगर आप उनको डिलीट मारोगे तो ऐसे में आपका जो ट्रैफिक है वो खुद कम हो जाएगा। ऐसे में मैं सही बोल रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, और ऐसा होएगा ही, ध्यान पक्का मैं बोल रहा हूँ, ऐसा होगा ही होगा। तो उसके लिए मैं बोलना चाहता हूँ, ये जो YouTube का अपडेट है ये मुझे तो अच्छा नहीं लगा है, और बाकी सभी क्रिएटर्स को भी अच्छा नहीं लगा होगा, मेरे को पूरा गारंटी है। और ऐसे में YouTube का भी बहुत जल्द झटका लगेगा अगर ये पॉलिसी चेंज हो जाएगा। पॉलिसी चेंज तो हो चुका है, बट अगर ये 10 दिसंबर से लागू होगा, बट अगर उससे पहले YouTube अगर एक और अपडेट कर देता है से हम लोग ये पॉलिसी को मतलब चेंज नहीं करेंगे तो ये अच्छी बात रहेगी, बट अगर ये चेंज कर दिया तो उसमें YouTube का भी घाटा ही जाएगा, क्योंकि अगर मतलब आप सब जानते होंगे मोनेटाइजेशन ज़्यादातर लोगों का एनेबल नहीं भी होता है, बहुत लोग हैं जिसके मोनेटाइजेशन टेम्परेरली पूरी तरह से डिसेबल हो जाते तभी भी वो कुछ अलग तरीके से पैसे कमाते हैं। बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, जैसे कि बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, मैं भी जानता हूँ, नाम नहीं लूँगा, बट बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो बिना मोनेटाइजेशन के भी यूट्यूब से पैसे कमाते हैं, और उसको ही यूट्यूब अगर डिलीट मार देगा तो ऐसे में यूट्यूब का प्लेटफॉर्म थोड़ा बहुत स्लो हो जाएगा, मतलब आप जानते होंगे थोड़ा बहुत ट्रैफिक कम हो जाएगा यूट्यूब का, बहुत अभी ट्रैफिक है और ऐसे में ट्रैफिक थोड़ा कम हो जाएगा, तो YouTube को थोड़ा समझना चाहिए ऐसे में। और ध्यान से सुनिएगा, मैं आप सभी को बता दूं, अब आप सोच रहे होंगे से जिसके भी 1000 से अंडर सब्सक्राइबर्स है उनका क्या होगा, मैं आप सभी को बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि आप सभी को मैंने आपको बता दिया ये सभी पे लागू करता है, तो वो उन पे भी लागू है जिनके 1000 से अंडर सब्सक्राइबर्स है। जैसे कि अभी जैसे कि आप किसी का भी ले लीजिए, जैसे कि किसी का भी जिसके 1000 से नीचे के सब्सक्राइबर्स है, अगर आप है ऐसे बंदे जिसके आपके 1000 से नीचे सब्सक्राइबर्स है, तो आपको मतलब कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको रियल कॉन्टेंट शेयर करना है। फेक अगर कॉन्टेंट अगर आप यूट्यूब चैनल पर शेयर कर रहे हो, जैसे कि मैंने एक वीडियो फेक बना दी, तो ऐसे में YouTube अगर देखेगा से ये फेक कंटेंट बना रहा है तो सबसे पहले आपके चैनल को डिसेबल करेगा परमानेंटली। तो खास करके कभी भी अगर आप वीडियो बनाओ तो एकदम रियल कंटेंट शेयर करो अपने सब्सक्राइबर्स के लिए, उसमें यूट्यूबर्स का कुछ नहीं जाएगा, आपका ही फायदा होगा, और आपको सभी लोग अच्छे मतलब आप सबको मालूम ही है, अच्छे कंटेंट शेयर करोगे तो आपको स्पॉन्सरशिप भी रियल स्पॉन्सरशिप मिलेंगे, और रिव्यू यूनिट भी रियल मिलेंगे, फेक रिव्यू यूनिट भी होते हैं और रियल यूनिट भी होते हैं रिव्यू यूनिट, तो आप सभी को मालूम ही है, फेक अगर रिव्यू यूनिट लेना चाहते हो तो आप फेक कंटेंट बनाते हो, अगर रियल लेना चाहते हो तो आप रियल कंटेंट बनाते हो। तो रिव्यू यूनिट में भी ऐसा ही होता है, अगर आप रियल बनाओगे तो आपको रिव्यू यूनिट रियली मिलेंगे, अगर फेक बनाओगे तो फेक ही मिलेंगे, और साथ ही साथ रियल बनाते हो तो उसमें फेक भी आ जाता है, बट वो आप पे मैटर करता है से आप वो रिव्यू यूनिट देना चाहते हो या नहीं। तो यही था एक छोटा सा अपडेट, और ये वीडियो ज़्यादा लंबा मैंने बना दिया उसके लिए मतलब माफ़ी चाहता हूँ, और ये मतलब मैं सभी लोगों के लिए बनाया है क्योंकि आप सभी का बहुत ज़्यादा मतलब कमेंट आ रहा था इंस्टाग्राम में, तो मैंने सोचा इस पे वीडियो बनाना बनता है, तो मैं आप सभी के लिए बना दिया। आप ज़रूर बताइएगा से आपको ये वीडियो कैसा लगा, और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में एक टॉपिक से रिलेटेड कमेंट कर दीजिएगा, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद होगा। फिलहाल कहते हैं दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, और देखते रहे टेक्नोलॉजी सही।